hello dear student today i am going to explain all remaining question of exercise 1.2 okay question number 7 8 9 10 11 explain in this video first time question number 7 question number 7 verify that minus small bracket x plus y small bracket close इक्वल स्मॉल ब्रेकेट माइनस एक्स स्मॉल ब्रेकेट क्लोज प्लस स्मॉल ब्रेकेट माइनस वाई स्मॉल ब्रेकेट क्लोज ओके यानी लेफ्ट और राइट दो तरीके से आपको यहाँ पे नंबर दिए गए हैं वैन ए एक्स इज इक्वल टू थ्री फोर वाई इज इक्वल टू सिक्स सेवन ओके ए में आपको एक्स की वैल्यू थ्री फोर थ्री अपॉइंट फोर पुट करना वाई की वैल्यू सिक्स अपॉइन्ट सेवन और बी में आपसे कहता है एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री फोर और वाई इज इक्वल टू माइनस सिक्स सेवन ओके okay, तो हम आपको यहाँ पे ए का सॉल्यूशन क्लियर करेंगे ओके okay? और उसी के अकॉर्डिंग आप बी सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं ए में देखिए अभी मैंने कहा कि जो यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू घीवे है उनको पुट करिए ओके तो यहाँ पे हम एक्स और वाई की वैल्यू को पुट करेंगे पहले हम स्क्रीन पे आपको समझाएंगे फिर आपको सॉल्यूशन पेज पे ले चलेंगे ओके okay? तो यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ माइनस है माइनस फिर ब्रेकेट एक्स की वैल्यू थ्री अपॉइन फोर प्लस वाई की वैल्यू सिक्स अपॉन सेवन ये हमारा जो लेफ़्ट हैंड साइड अभी सॉल्व हो रहा है ये देख रहे हैं ना अब आप जानते हो कि फ्रैक्शन का ऐड है ब्रैकेट के अंदर आपको सॉल्व करने है सेवन फोर जा ट्वेंटी एट इस फोर से इसमें डिवाइड करते हैं फोर सेवन जावन का इंटू थ्री सेवन थ्री जो ट्वेंटी वन प्लस सेवन फोर फोर सिक्स जा देखिए सेवन फोर जै ट्वेंटी एट फोर सिक्स जो ट्वेंटी फोर ओके तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में आंसर आएगा माइनस फोर्टी फाइव क्योंकि तो इन दोनों को ऐड करेंगे अपान ट्वेंटी एट ये लेफ़्ट है अब आपका अगर राइट भी इतना ही आएगा तो यही आपको वेरीफाइड करना ही है ठीक है ना तो यानी कि आपका राइट भी इतना ही आना चाहिए तभी आपका वेरीफाइड क्लियर होगा ओके तो अब राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन देखिएगा ठीक है स्पेस ना होने की वजह से थोड़ा सा हमको लेफ्ट और राइट को अलग करना पड़ा ठीक है चलिए देखते हैं माइनस एक्स की वैल्यू <laughs> माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एक्स देख रहे हैं ना तो माइनस थ्री अपान फोर ब्रैकेट क्लोज प्लस वाई की वैल्यू वाई की वैल्यू क्या दिया था आपका फोर अपान सेवन देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे हाइड हो गया सिक्स अपान सेवन सॉरी तो अब यहाँ पे देखिए जब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो माइनस थ्री अपान फोर ब्रेकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट में माइनस सिक्स अपॉइन्ट सेवन ऐसे ओके क्यों माइनस लगाएंगे क्योंकि इन दोनों में माइनस लगा है तो ये माइनस थ्री अपॉइंट फोर हो गया प्लस और माइनस दोनों इनटू कर जाएगा तो प्लस माइनस माइनस सिक्स अपॉइन्ट सेवन अब आप जानते हैं मेथड वही है सॉल्व करेंगे एल्सीम लेकर ठीक है ना तो यहाँ पर भी वही आ जाएगा चलिए अब सॉल्यूशन हम दिखाते हैं आपको आप इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं ये देखिए आपकी स्क्रीन पर ठीक है इस समय क्वेश्चन नंबर सेवन का ए आपकी स्क्रीन पर है तो यहाँ पे देखिए आपका आंसर यही आया था माइनस फोर्टी फाइव पॉइंट ट्वेंटी एट आप राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन देखिए फोर सेवन का ट्वेंटी एट एलसीएम हो गया फोर सेवन जा सेवन थ्री ज़र ट्वेंटी वन सेवन फोर जा फोर सिक्स ज़र ट्वेंटी फोर ऐड करने पे आया माइनस फोर्टी फाइव पॉइंट ट्वेंटी एट वेरी ओके ऐसे सॉल्व करते हैं आप ठीक है ना तो लेफ़्ट हैं राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर दोनों सेम आएंगे जब सेम आएंगे तो उसी को वेरीफाइड करेंगे ओके okay? चलिए अब हम प्रीवियस क्वेश्चन की तरफ आते हैं क्वेश्चन नंबर सॉरी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेवन हो गया इसमें क्वेश्चन नंबर एट की तरफ आते हैं ओके वाट नंबर शुड बी एडेड टू माइनस सिक्स अपन इलेवन टू गेट फोर अपन नाइन देखिए इस टाइप के क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो वेरी इंपॉर्टेंट वो टेस्ट एग्ज़ाम पीरियडिक टेस्ट कोई भी होगा उसमें ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करिएगा वर्ड नंबर शुड बी एडेड टू गेट माइनस सिक्स अपान इलेवन टू गेट फोर अपान नाइन देखिए अब इसमें हम करते क्या हैं कि जब भी आपसे एडेड नंबर दे तो जो गेट हो ठीक है ना उसी में से इसको क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा जैसे फोर अपान नाइन क्योंकि ये लाना होता है ठीक है ये सम हो गया आपको माइनस क्या करना माइनस सिक्स अपान इलेवन आप इसका सॉल्यूशन करिए देखिए तुरंत आंसर आ जाएगा ओके अब इसका अगर सॉल्यूशन आप देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये देखिए द एडेड नंबर ये देख रहे हैं ना फोर अपन नाइन से माइनस के माइनस सिक्स अपान इलेवन अब आप इसको सॉल्यूशन एल लीजिए नाइन इलेवन नाइन्टी नाइन नाइन इलेवन सा इलेवन फोर जहाँ फर्टी फोर हो गया एलेवन नाइन जाइन सिक्स जो फिफ्टी फोर माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया ऐड करिए नाइन्टी एट अपन नाइन सॉरी नीचे नाइन्टी नाइन है इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा नाइन्टी नाइन ओके चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन वर्ड नंबर शुड बी सप्ट्रिक्टेड फ्रॉम अब देखिए सप्ट्रिक्टेड जब भी कहेगा एडेड में तो आपको बता दिया गेट से माइनस करते हैं सपट्रिक्टेड से फ्रॉम से माइनस करेंगे यानी जो फ्रॉम दिया है थ्री अपॉन फाइव उससे माइनस कर दीजिएगा थ्री अपॉन फाइव माइनस टू अपान थ्री याद रखिएगा सप्ट्रिक्टेड से फ्रॉम से माइनस होगा जहाँ माइनस हमने लगाया थ्री अपॉन फाइव माइनस टू अपान थ्री ओके फाइव थ्री कैल्स आपका क्या होगा फिफ्टीन फाइव थ्री जो फिफ्टीन थ्री थ्री जहाँ नाइन थ्री फाइव जा फाइव टू जा टेन तो माइनस करने पे आएगा माइनस टूल अपन फिफ्टीन इट इज़ योर आंसर ओके चलिए आप सॉल्यूशन भी देखना चाहते हो तो आप सॉल्यूशन भी देख सकते हो यहाँ से ये यह देखिए इस समय आपकी स्क्रीन पर है देख रहे हैं ना द नंबर आप करके आप सॉल्व कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा ओके okay? तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है आपको सेंटेंस का मीन्स समझना है कब और किस समय किस में हम माइनस करते हैं और कैसे करते हैं ओके okay? क्वेश्चन के सेंस को आप अच्छे से क्लियर करिएगा चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन इस समय आपकी स्क्रीन पर है वार्ड नंबर शुड बी एडेड देखिए ये क्वेश्चन आपको लग रहा है बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर एट लेकिन थोड़ा सा नंबर चेंज किया हुआ है बाकी है वही चीज वार्ड नंबर शुड बी एडेड टू वन अपन टू प्लस वन अपान थ्री प्लस वन अपॉन फाइव टू गेट फोर ओके तो फोर लाने के लिए इसमें हम क्या चीज ऐड करते हैं तो ऐसे केसेस में जैसे ऊपर मैंने समझाया था कि इसी फोर से जो नंबर आपको यहां पे दिया गया उसको माइनस करना है। ऐसे देख रहे हैं आप ये ओके अब जब आप सोल्यूशन करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आप सॉल्यूशन भी यहाँ देख सकते हैं ये देखिए द नंबर द एडेड नंबर फोर माइनस वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन फाइव और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा थर्टी थर्टी फोर जब वन ट्वेंटी माइनस थर्टी वन अब इसको जब माइनस करेंगे एट्टी नाइन अपान थर्टी ठीक है ना सॉल्यूशन आप खुद से करिएगा आ जाएगा आपका चलिए अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर एलेवन क्वेश्चन नंबर इलेवन देख लीजिए क्या है द सम ऑफ टू रिजल नंबर इज फाइव पॉइंट एट्टीन इफ़ वन ऑफ द नंबर इज वन अपान एट फाइंड द अदर अब इस क्वेश्चन में आपको देखिए जब बीस सम आपको दे ठीक है दो नंबर का सम और एक नंबर देने के बाद दूसरा पूछे तो माइनस कर दिया करिए सम से ठीक है ना सम हमारा यही नंबर है तो फाइव पॉइंट एटीन माइनस वन एट ऐसे एलसीएम आप ले लीजिए सेवेंटी टू हो जाएगा एलसीएम आता ही होगा आपको निकालने एटीन फोर जा फाइव फोर जा ट्वेंटी माइनस एट नाइन जा नाइन वन इलेवन अपान सेवेंटी टू इज आंसर इन दिस क्वेश्चन ओके आप सॉल्यूशन भी यहाँ देख सकते हैं ये देखिए आपके सामने इसका सॉल्यूशन भी आ गया क्वेश्चन नंबर इलेवन का ओके क्वेश्चन नंबर इलेवन द अदर रेशनल नंबर इज इक्वल टू फाइव पॉइंट एट्टीन क्योंकि ये सम है देख रहे ना और सम से ही माइनस करना ये सम है सम से जो एक नंबर फर्स्ट नंबर या फर्स्ट या सेकंड कोई भी नंबर का है उसको आप माइनस कर दो ठीक है ना जब आप माइनस करोगे और रूल माइनस का पता ही है पहले एलसीएम लेते हैं ठीक है ठीके? जब हम एलसीएम लेते हैं इन दोनों का तो सेवेंटी टू आया एटीन फोर जा फोर फाइव जा ट्वेंटी हो गया एट नाइन जा नाइन वन जा नाइन हो गया माइनस करने पर ले होना पान और ये फाइनली क्या है आंसर है ओके तो डियर स्टूडेंट इस वीडियो में हमने आपको जितने भी एक्सरसाइज वन पॉइंट टू के रिमेनिंग क्वेश्चन या कहिए वर्ड्स प्रॉब्लम्स उसे मैंने एक्सप्लेन किया वन बाय वन आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से क्लियरली सुनिएगा समझिएगा और अपने फेयर नोटबुक पे सॉल्व करिएगा ओके थैंक यू